हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो स्केट वर्ल्ड। आज के वीडियो में स्केटिंग में स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले गर्म पानी और ठंडे पानी, अगर इसकी हम बर्फ जमाते हैं तो किस पानी की बर्फ जल्दी जमेगी? फ्रेंड्स, गर्म पानी की बर्फ जल्दी जमेगी। फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पर आते हैं कि स्केटिंग में स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। इसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए प्लीज। स्केटिंग में अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट, आपको रेगुलर क्रॉसिंग ट्रैक एक सर्कल बनाना है और उस पर रेगुलर क्रॉसिंग करनी है। इस तरह की पार्थ आपके सामने कर रहा है क्रॉसिंग एंड ट्रैकिंग। इसमें आपकी स्पीड काफी अच्छी फास्ट स्पीड होनी चाहिए। आपको अच्छी स्केटिंग आ गई पर फिर भी आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही, तो इसको कैसे बढ़ाएंगे? अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको क्रॉसिंग ट्रैक बना के, जिस तरह की एक हमने सर्कल बनाया चार टायर से, क्रॉसिंग 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 और ट्रैकिंग, इसको कंबाइन करके आपको ये डेली करनी है। क्रॉसिंग और ट्रैकिंग 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 में ऐसे लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, बॉडी बेंडिंग, क्रॉस अगेन क्रॉस, मतलब कि आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको करना डेली क्रॉसिंग एंड ट्रैकिंग। ये हो गई क्रॉसिंग और ट्रैकिंग, फर्स्ट स्टेप हो गया अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। और दूसरा स्टेप है शॉर्ट स्प्रिंट्स। स्प्रिंट का मतलब फुल फास्ट स्केटिंग, फास्ट, जिस तरह की पार्थ आपके सामने दौड़ रहा है बहुत तेज, पर डिस्टेंस ज्यादा नहीं करना है। से 8 से 10 सेकंड स्प्रिंट्स। स्प्रिंट वर्क करने से, शॉर्ट स्प्रिंट वर्क करने से आपकी बॉडी की फास्ट स्केटिंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कम ऑन फास्ट, बहुत अच्छे, कम ऑन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्प्रिंट के अंदर हमारी टर्निंग, ट्रैकिंग, क्रॉसिंग सब यूज हो रही हैं। इसकी आपने रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। पहला स्टेप हुआ क्रॉसिंग और ट्रैकिंग छोटे सर्कल के अंदर, फिर फुल ट्रैक पे स्प्रिंट वर्क। स्प्रिंट का मतलब फास्ट स्केटिंग, पर वो टाइम ड्यूरेशन कम रहेगा। छोटी छोटी स्प्रिंट पर फुल फास्ट स्प्रिंट। स्प्रिंट लगाने के बाद कुछ सेकंड रिलैक्स लिया और 8 से 10 सेकंड की स्प्रिंट। ये ट्रेनिंग आपने क्रॉसिंग, ट्रैकिंग और स्प्रिंट वर्क अपनी रेगुलर ट्रेनिंग के अलावा एक्स्ट्रा करनी है। से आपने स्केटिंग की अपनी ट्रेनिंग जो भी करते हैं आपने कर ली, क्रॉसिंग ट्रैक पे क्रॉसिंग ट्रैकिंग करनी है, 8-10 स्प्रिंटें मारनी है छोटी, आपकी स्प्रिंट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आपकी स्केटिंग जो आपकी स्पीड कम है वो फास्ट होनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आपको अपने रिंग में सर्कल बनाना है और आपको क्रॉसिंग करनी है फास्ट स्पीड के ऊपर। जब हम फास्ट स्पीड पे क्रॉसिंग करेंगे तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको बीच बीच में ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आप फास्ट स्पीड पे क्रॉसिंग्स कर पाते हैं तो आपकी स्पीड स्केटिंग फास्ट होती जाएगी। आपने इसको डेली करना है। दूसरा पॉइंट है, आपने स्प्रिंट वर्क करना है, शॉर्ट स्प्रिंट्स, लंबी स्प्रिंट नहीं मारनी है। रेगुलर आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं डेली, वो ट्रेनिंग करते रहे। डेली 10 मिनट आपने निकालने हैं, 5 मिनट लगभग आपने करने क्रॉसिंग, फास्ट क्रॉसिंग और 5 मिनट स्प्रिंट वर्क। फ्रेंड्स, अगर आप इसको रेगुलर करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको विजिबल डिफरेंस दिखने लगेगा आपकी स्पीड स्केटिंग के अंदर, कि आपकी स्पीड स्केटिंग फास्ट हो रही है। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह करेंगे और अपनी स्पीड स्केटिंग इंप्रूव करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपका क्वेश्चन है उनको व्हाट्सएप पे जाकर रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स, एक नंबर गेम आपके लिए, 111111 111111 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फ्रेंड्स,
मुझे पूरी उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।